आईपीएस पंकज चौधरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम ने बचाव अभ्यास किया। 40 महिला एवं पुरुष जवानों ने किया बचाव अभ्यास। बांध में दो ग्रामीणों की डूबते हुए एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। वहीं कुछ लोगों को टापू पर फंसे होने की सूचना पर तुरंत पहुंचकर राहत बचाव दल ने लोगों को बाहर निकाला। भरतपुर जिले में एसडीआरएफ की टीम को डेमो को देख आईपीएस पंकज चौधरी ने बताया कि टीम हर आपदा से बचाव के लिए तैयार है। आईपीएस पंकज चौधरी, कंपनी कमांडर हरि सिंह, प्लाटून कमांडर खजान। जाओ तो जंजीर बन जाती है, एक व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ेंगे तो एसडीआरएफ बन जाती है। एसडीआरएफ हमेशा लोगों की मदद करती है, आपदा में सहारा एसडीआरएफ हमारा। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के फ्रंट रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाए जाते हैं? तो इसको आप इन एसडीआरएफ के संसाधनों और बंदवारेटा बांध में घिर चुका है। ये वहाँ के लोग साता के लिए पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी मदद करो, बचाओ बचाओ। इसके बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी इंफॉर्मेशन एसडीआरएफ कंट्रोल रूम को दी। एसडीआरएफ कमांडेंट के निर्देशानुसार एक रेस्क्यू टीम को घटना स्थल पर तुरंत बिना समय गवाए अपने विभिन्न फ्लड उपकरणों के साथ में घटनास्थल के लिए रवाना किया जाता है। काफी नुकसान होता है, उस नुकसान को या जोखिम को कम करने के लिए 24 आवर्स अपने विभिन्न उपकरणों के साथ में ये जवान तैनात रहते हैं। ये जवान किनारे पर आ चुके हैं। एसडीआरएफ के द्वारा जो डेमो प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का बचाव कार्य और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एकता से एक ओबीएम आउटपुट मशीन जिसकी मदद से ये मूवमेंट करती है। एसडीआरएफ की डेमो प्लाटून एक्सपर्ट श्रीमान के आदर सत्कार और सम्मान और अभिवादन के लिए आगे बढ़ती हुई राजस्थान एसडीआरएफ का गठन सन 2012 में राज्य सरकार के द्वारा एक साथ पूरे देश की इस तरह से आप देख सकते हैं ये जवान वापस अपने पुनर्स्थान पर जा रहे हैं। सबसे बड़ी अहम जानकारी की मैं बता दूं कि पूरे एसडीआरएफ की सी कंपनी जो भरतपुर मुख्यालय पे सिचुएटेड है, वो विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आप देखते हैं आम प्रचलन में, जिसमें कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं हैं, आपदाएं कभी भी बता के नहीं आती हैं, आकस्मिक आती हैं। और जैसा कि अभी ये डेमो हम लोगों ने देखा इस बंद बराठा पे, जहाँ पे कि पानी की आवक अभी कम है लेकिन आने वाले समय में पानी की आवक ज़्यादा हो सकती है, ऐसी जगहों पे और भरतपुर मुख्यालय पे, जैसे कि जो ज़िले हैं करौली हो गया, धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, भरतपुर हो गया, यहाँ पे बहुत ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे कि जान माल की हानि लगातार होती रही है। जो तो ये जो जवान हमारे एसडीआरएफ का जो जवान है, हमारी जो टीमें हैं हमारी कंपनी लेवल पे, जिले लेवल पे, उनका प्रयास रहता है कि जब भी उनको सूचना मिलती है तो उस पर वो तुरंत रेस्क्यू करते हैं, और रेस्क्यू के साथ उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट के साथ उनकी पूरी टीम एक टीम भावना के साथ काम करती है और पूरी कोशिश करती है कि जल्द से जल्द बचाव राहत में लोगों को बचाने का काम करें। इस डेमो के तहत आपने देखा कि किस तरह जो है कुछ लोग, गांव के लोग पानी में डूब रहे थे, बचाव उन्होंने बचाने का प्रयास किया, उनको बाहर निकाला एक टापू पे, और एक जगह पे भी आपने देखो पीछे कि वहाँ पे भी लोगों ने राहत के लिए मांग की, तो एसडीआरएफ टीम जाके उनको बाहर निकाला। एक व्यक्ति गहरे पानी में चला गया था, उसको भी स्कूबा डाइवर, डीप डाइवर ने जाके उसको बाहर निकाला है। इसके अलावा बाढ़ से रिलेटेड के अलावा जो बड़े रोड एक्सीडेंट हैं, बिल्डिंग कोलैप्स है, गैस रिसाव की घटनाएं होती है, वहाँ भी एसडीआरएफ काफ़ी बेहतर काम करती है। अभी हाल में ही आपने भरतपुर में देखा होगा कि एक कुएं के अंदर कैसे रेस्क्यू किया इन्होंने, तो ये एसडीआरएफ के आयाम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं जो है। और ये